10 जनवरी 2020 चंद्र ग्रहण की पूर्ण सच्चाई। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10 जनवरी 2020 के दिन जो चंद्र ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है उसकी क्या सच्चाई है, वास्तव में चंद्र ग्रहण कहां पर होगा, कब होगा, कैसा होगा, कहां दिखेगा और कहां नहीं दिखेगा, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10 जनवरी 2020 को चंद्र ग्रहण रात्रि 10:38 से रात्रि 2:42 तक रहेगा और इस चंद्र ग्रहण की जो अवधि रहेगी लगभग 4 घंटे की अवधि रहेगी और इस चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे यह जो चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है वह भारत में कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जहाँ पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर ही ग्रहण का प्रभाव माना जाता है, इसलिए भारत में न तो पर्वकाल माना जाएगा, न ही सूतक काल माना जाएगा, न ही पुण्य काल भी नहीं माना जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से इस ग्रहण से डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पृथ्वी के पीछे चंद्रमा पूरा छुप जाता है और पृथ्वी की ओट से जब वो निकलता है तब ग्रहण काल शुरू होता है। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं चंद्रमा का दर्शन नहीं करती है, ग्रहण की छाया उस पर नहीं पड़ना चाहिए, चाकू से कटी हुई चीजों का सेवन भी ग्रहण में नहीं करना चाहिए, घर के मंदिरों के कपाट भी बंद कर देना चाहिए। वैसे मंदिरों के कपाट तो पहले से ही ग्रहण के दौरान यानी सूतक के पहले ही बंद हो जाते हैं। वैसे ये जो चंद्र ग्रहण होगा, वैसे तो इस ग्रहण के बारे में ये कहा जा रहा है कि यह माध्य चंद्र ग्रहण है, यानी कुछ हल्की फुल्की छाया ही जो है चंद्रमा को प्रभावित कर पाएगी, इसलिए इस ग्रहण से ज़्यादा भयभीत होने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब दिखाई ही नहीं देगा तो इसका कोई भी प्रभाव कहीं पर भी नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे और चंद्र ग्रहण से बिल्कुल न डरे। तो इसलिए हम आपको पुनः बताना चाह रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ग्रहण काल में गर्भवती माताओं को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है और किसी को भी कोई नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह चंद्र ग्रहण कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा, किसी भी स्थिति में नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी सभी कार्यों को कर सकते हैं। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।